मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जहां इस उपचुनाव को ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस कांग्रेस बनाकर चल रही है और इसके लिए अब प्रशांत किशोर को सिंधिया के सामने लाकर खड़ा करना चाह रही है, वहीं सिंधिया ने भी अब प्रेशर पॉलिटिक्स का काम शुरू कर दिया है। प्रेशर बीजेपी पर, सिंधिया को पार्टी में शामिल करने पर किए गए वादों को लेकर प्रेशर। जी हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि सिंधिया ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर लिखा बीजेपी हटा लिया है। हालांकि उनके प्रोफाइल पर बीजेपी लिखा भी था या नहीं ये किसी को पुख्ता तौर पर नहीं पता है, लेकिन अब क्योंकि उनके प्रोफाइल पर पब्लिक सर्वेंट दिखाई दे रहा है, बीजेपी नहीं दिखाई दे रहा है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके जरिए वो बीजेपी पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। याद हो तो कांग्रेस छोड़ने से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर प्रोफाइल के साथ छेड़छाड़ की थी। दरअसल पार्टी में सिंधिया की एंट्री के साथ उनके समर्थकों को शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल करने के साथ सिंधिया को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी। उपचुनाव में उनके समर्थक पूर्व विधायकों को बीजेपी का टिकट मिलने का भी वादा किया गया था, जिसमें अब परेशानी की खबरें हैं। क्योंकि सिंधिया समर्थक सभी 22 विधायकों को टिकट देने का वादा बीजेपी ने किया, लेकिन अब इसमें दिक्कतें आ रही हैं। वजह है कई सीटों पर पार्टी को अपने पुराने नेताओं के विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है और अब सिंधिया को नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल करने की चर्चा भी कम होती है, जबकि उनके एंट्री के वक्त ग्वालियर चंबल संभाग में उनके समर्थकों ने इसे जोर शोर से प्रचारित किया था। अब देखते हैं कि पार्टी पर इस तरह का दबाव बनाने का सिंधिया को फायदा मिलता भी है या नहीं, बीजेपी उनसे किए अपने वादों को पूरा कर पाती है कि नहीं, क्योंकि बीजेपी भी सिंधिया के रुतबे और कांग्रेस में रही उनकी जगह को अच्छी तरह समझती है। फिर भी अगर सिंधिया को उनके दमखम के हिसाब से इस्तेमाल नहीं किया गया तो संभव है कि अब सिंधिया बीजेपी से भी विद्रोह की राजनीति शुरू कर दें। हालांकि उपचुनाव के नजदीक आते आते ये पिक्चर और क्लियर होती चली जाएगी।